वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम का असर अब रोडवेज बसों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। लोगों को सुलभ यात्रा उपलब्ध कराने वाली रोडवेज बसों के पहिए धीरे धीरे थमते जा रहे हैं। इस संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने बताया कि गोरखपुर क्षेत्र से लंबी दूरी की चलने वाली एसी बसें यात्रियों की कमी की वजह से बंद कर दिया गया है। वहीं लोकल रूट पर चलने वाली नियमित बसें भी यात्रियों की कमी से जूझ रही हैं और यही वजह है कि परिवहन निगम के लोड फैक्टर को 40% से बढ़ाकर अब 50% कर दिया है ताकि यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा कराया जा सके। यदि यात्रियों की संख्या 50% से कम रही तो उन रूटों पर बसों का संचालन रोकना पड़ सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के गोरखपुर क्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी ने बताया। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा 30-35% बसें ही चल रही हैं। लंबी दूरी की बसें काफ़ी कम हो गई हैं। लोकल मार्ग पर ट्रेन वगैरह से जो यात्री आते हैं वही यात्री आ रहे हैं, उन्हीं को हम संचालित ज़्यादा करा रहे हैं। बाकी लंबी दूरी की सवारियाँ कम मिलने के कारण से लंबी दूरी की सवारियाँ गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। एसी बसों में क्योंकि सवारियाँ नहीं मिल रही हैं इस समय, लगभग एसी बसें जितनी भी हैं सब खड़ी करा दी गई हैं। अंतर्राज्यीय सेवाएं, जितने अंतर्राज्यीय सेवाएं हैं सब बंद हैं और अगले 5 जून तक बंद रहेंगे, ऐसा शासन ने आदेश किया हुआ है। सर, यदि यात्रियों की संख्या ऐसे ही कम रहेगी तो जो लोकल रूट पे बसें चलें उनको भी स्थगित करने का? हाँ, अगर इस समय जो है हम लोगों के यहाँ अब तक तो 40% का लोड फैक्टर फिक्स किया गया था कि बस में 40% यात्री भी अगर रहते हैं तो संचालित कराया जाए, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 50% कर दिया गया, इसलिए कि हमारा जो संचालन का खर्चा है वो 40% पर कुछ नहीं, 50% पर भी कम रहता है, लेकिन यह है कि फिर भी जो है ये है कि संचालन यात्रियों को सुविधा दी जाए, ये भी एक ध्येय है। लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारा जो है निगम भी घाटे में ना आए, इससे बचने के लिए, ज़्यादा घाटे में ना जाए इससे बचने के लिए 40% लोड फैक्टर को जो है हमारे प्रबंधन द्वारा 50% पर कर दिया गया है। तो अब हम 50% से नीचे की बसों को स्थगित करेंगे और उसके ऊपर संचालित होने वाली बस जो हो रही हैं उन्हें चलाएंगे।